In this video, I'm going to explain to you the color coding and the disposal of the medical waste. कि आपका जितना भी ये सेग्रीगेटेड वेस्ट होता है ये अलग अलग कलर के बैग्स में डालना होता है और फिर हर चीज़ का डिस्पोजल अलग तरीके से होता है. मुझे आई होप कि आपको कैटेगरीज याद होंगी किस कैटेगरी में क्या आता है. मैं यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी मेंशन करूँगी 1, 2, 3 और कलर कोडिंग्स दे दूँगी. स्टूडेंट जो आपने पढ़ी थी कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 एंड कैटेगरी नंबर 6, ये जो 4 कैटेगरीज आपने पढ़ी थी जिनमें ज़्यादातर आता था ह्यूमन टिश्यूज, लैब वेस्ट एंड ड्रेसिंग मटेरियल, जितना भी आता था वो सारा का सारा जाता है येलो कलर के कंटेनर. येलो कंटेनर कंटेनर पर्टिकुलरली जब आप देखेंगे जनरली पॉलिथीन बैग्स होते हैं येलो कलर के, जो येलो कलर के डस्टबिन्स में होते हैं. आपने देखा होगा ऐसे करके डस्टबिन्स होते हैं हर हॉस्पिटल में और येलो कलर का जो होता है उसमें जाता है आपका कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 एंड 6. अगर आपको याद होगा या रिमेम्बर होगा कैटेगरी 1 में आता है आपको एनिमल वेस्ट, जो जिसे हम एनाटॉमिकल वेस्ट कहते हैं. कैटेगरी नंबर 1 में आता है आपका मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन या एनाटॉमिकल वेस्ट. कैटेगरी 2 में आता है एनिमल वेस्ट. कैटेगरी 3 में आता है माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, दैट मीन्स जितना भी आपका माइक्रोबायोलॉजी का वेस्ट है वो जाएगा येलो कंटेनर में. और कैटेगरी 6 में आता है फ्लूड कंटेनिंग कॉटन, ड्रेसिंग मटेरियल, ब्लड, यूरिन, वो सब चीज़ें जो है वो जाती है येलो कंटेनर में. ओके स्टूडेंट्स, जो कैटेगरी नंबर 3 है, ठीक है, कैटेगरी नंबर 3 पर्टिकुलरली माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, वो जाता है हमारा रेड कंटेनर में. वो जाएगा आपका रेड कंटेनर में. इसमें मोस्ट प्रोबेबली आता है इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरीज सच एज माइक्रोबियल कल्चर प्लेट्स, दैट मीन जितने भी आपको माइक्रोबियल कल्चर प्लेट्स होते हैं जिन पे आपने काम किया होता है. फॉर एग्जांपल आपने ट्यूबरक्लोसिस की कल्टीवेशन की, आप उसको कहीं पर भी नहीं फेंक सकते हैं. वो जो प्लेट होता है दैट इज़ टू बी थ्रोन डाउन इन अ रेड कंटेनर, जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये एक इन्फेक्शियस मटीरियल है और नॉर्मल इंसान इसको टच नहीं कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, अब बात होती है कैटेगरी नंबर 7. कैटेगरी नंबर 7 जो होते हैं स्टूडेंट्स वो जाता है ब्लू या वाइट बैग में. ब्लू या वाइट बैग में जाता है वो. और उसका जो क्या क्या जाता है उसमें जाता है आपका इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल कैनुला, जो वो यूज्ड कैनुलाज होते हैं वो, फॉर एग्जांपल आपका कैथेटर और बाकी जो वो प्लास्टिक ट्यूबिंग्स होती है, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स जो यूज होती है वो सारी जाती है ब्लू या वाइट कंटेनर में. ओके, इसके बाद होता है कैटेगरी नंबर 5, 9 एंड 10, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली डिस्कार्डेड मेडिसिन आता है, इनसेनरेटिंग ऐश आती है और अदर केमिकल वेस्ट आता है. ये जो होता है स्टूडेंट्स ये जाता है ब्लैक में. ब्लैक इंडिकेट करता है इसमें एक्सपायर्ड है, जो कुछ भी चीज़ इसमें है वो एक्सपायर्ड है, या तो इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है जो आपने यूज़ किए हैं. अब जो डिस्कार्डेड मटेरियल, साइटोटॉक्सिक डिस्कार्डेड मटेरियल, वो सारा जाता है ब्लैक में. ब्लैक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेंजरस मटीरियल. ओके स्टूडेंट, इसके बाद होती है कैटेगरी नंबर 4. कैटेगरी नंबर 4 में अगर आपको याद होगा, कैटेगरी नंबर 4 मैंने आपको कहा था इसमें ज़्यादातर होते हैं शार्प्स एंड नीडल्स, टूटे हुए ग्लासवेयर, जो आपने सिरिंजेस यूज़ किए होते हैं वो, या आपको कोई स्लाइड गिर गया वो सब चीज़ें जो होती है वो आप क्या करते हैं पंचर प्रूफ बैग में डालते हैं, पंचर प्रूफ कंटेनर. और पर्टिकुलरली वो ब्लू या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जिसके थ्रू लाइट पास हो जाए, बाहर से दिखाई दे कि इसमें क्या चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स शार्प्स या नाइफ्स जो होती है उनको हैंडल करना डेंजरस होता है. दे कैन गिव अ कट टू द हैंडलर, दे कैन गिव अ वुंड टू द हैंडलर. इसीलिए आप क्या करते हैं उन्हें एक ऐसे बैग में डालते हैं जो ट्रांसल्यूसेंट होता है. उसके बाद आपका जितना भी मटीरियल होता है स्टूडेंट्स जनरली वो सारा या तो इंसेनरेट होता है, इंसेनरेशन आपको भी पता होगी, बर्निंग अंडर कंट्रोल कंडीशन,
या तो आप उसको डीप बरियल करते हैं, जैसे आपका एनाटॉमिकल वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, वो सारा जमीन में गाड़ दिया जाता है, या कुछ हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं वो पहले ऑटोक्लेव किए जाते हैं, या उनको केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है या उन्हें ऑटोक्लेव किया जाता है। उसके बाद ये सब कोई भी चीज़ करने के बाद उन्हें क्या किया जाता है, बरियल, सबको मैक्सिमम बरियल किया जाता है। और ये चीज़ कहीं पर भी नहीं की जा सकती, यू कैन नॉट कीप द हॉस्पिटल वेस्ट एट एनी लैंड यू वांट, नो। जो आपको म्यूनसिपैलिटी, जैसे श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी है या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की जो भी म्यूनसिपैलिटी होती है, वहाँ पर उन्होंने एक लैंड आइडेंटिफाई किया होता है जहाँ पर ये हॉस्पिटल वेस्ट होता है और जहाँ पर आप इसको डीप बरियल कर सकते हैं। इट इज़ टू बी डन अंडर प्रॉपर सुपरविजन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी एंड द मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑल्सो। इसीलिए इस सब चीज़ को गवर्न करती है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको, SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जब तक ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने कुछ लॉज हैं जो हर हॉस्पिटल को गवर्न करने होते हैं, और अगर वो ये लॉ नहीं करेंगे और उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगी, देन द मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई भी, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, जब तक उनके पास SPCB की सर्टिफिकेट नहीं होगी और नहीं होगा उनका प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, दे आर लायबल फॉर द पनिशमेंट। उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है और उन्हें जेल हो सकती है। उसके अलावा उनकी जो लाइसेंस है, मेडिकल लाइसेंस, वो कैंसिल हो सकती है। स्टूडेंट्स, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वायरी यू कैन कम टू द व्हाट्सएप। थैंक यू।